झाड़ का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों। ये जलेबी की तरह हो गया है, देखिए बिल्कुल। इसको पकड़े थे हम लोग यहाँ से विक्रमपुर से आगे जा करके, इसको और पछाड़ धामन का आया था। धामन बहुत ही मतलब भागने में बहुत ही फास्ट होता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज जो है हम लोग तीन स्नेक छोड़ने वाले हैं और एक जगह से आज समस्तीपुर से कॉल आया था और वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है उन लोगों ने जो है कॉल का मतलब रिस्पांस करना मतलब आज उठाए भी नहीं किए, लगभग 10 बार कॉल किए। गलत बात है, बुला लिए हैं तो कम से कम कॉल उठाया कीजिए, लेट हो जाता है क्योंकि एक जगह नहीं कई जगह रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पर आने में कहीं से भी अगर जाइएगा तो घंटा 2 घंटा लग ही जाता है। थोड़ा सा विलम्ब कीजिए और देखते रहिएगा सांप को, झूठ मूठ का ना बुलाएं। सांप जो है सो 3 स्नेक है दोस्तों और तीनों जो है सो बहुत ही खतरनाक, 2 बहुत ही खतरनाक है। एक तो मेरे घर पर से ही हमने रेस्क्यू किया था जो कि बिहार का सबसे खतरनाक सांप होता है। इसको जो है सो दोस्तों क्रैंक, जो कि हमारे बिहार का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों। ये जलेबी की तरह हो गया है, देखिए बिल्कुल जलेबी लग रहा है क्या, ये मर गया है बिल्कुल। थोड़ा भी जो है सो लग रहा है सुगा नहीं रहा है और एक बार ये भागना स्टार्ट करेगा तो देखिए कितना स्पीड में ये भागता है। इसका जो है सो दोस्तों साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो है दांत जो है ना सो दिखाई नहीं देता है जब ये बाइट करता है। देखिए अब ये है, लग रहा था उस समय से मरा हुआ और देखिए ये जिंदा है। इसको जो है दोस्तों हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये अपना चला जाएगा। देखिए ये दोस्तों कहीं पे भी मान के चलिए आप 2 तल्ला 3 तल्ला कहीं कितना भी बड़ा मकान बना लीजिए मगर वहाँ पर जो है सो ये निश्चित ही चला जाएगा, पहुँच ही जाएगा ये, क्योंकि ये दीवार पर चढ़ने में काफ़ी माहिर होता है और इसका मुख्य भोजन जो होता है कीड़ा मकोड़ा और चींटी होता है और छिपकली, छोटा प्रजाति का छिपकली हो तो वो सबको जो है सो ये खाने के लिए ये जलेबी की तरह फिर बन जाएगा। ये देखिए लग रहा है स्पीड हो गया, हाँ देखिए कितना फास्ट निकल गया ये। और दूसरा स्नेक जो है दोस्तों कोबड़ा, अपने यहाँ गेहूमन या अदसर कहा जाता है, अगर देखते रहना डरने लगी गेहूमन या अदसर कहा जाता है दोस्तों। इसको जो है हम झोला में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि झोला में रखने के बाद जो है सो ये गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में जो है सो ये इसमें जो है ना सो सुरक्षित रहता है, थोड़ा सा पानी मार देते हैं तो ठंडा रहता है और हवा इन लोगों को जो है सो ठंडी हवा मिलती रहती है। काफी लंबा है, इतना लंबा होगा लगभग जो है सो 4 फीट प्लस का है, 4.5 फीट लगभग का है। काफी ही जिसमें इसको पकड़े थे काफी गुस्से में था दोस्तों और इसको जो है सो हम पकड़े थे उस समय काफ़ी ही ये गुस्से में था और घर में ये जो है सो आराम से बैठा हुआ था जिस समय हम गए थे तो, और इसको पकड़े थे हम लोग यहाँ से विक्रमपुर से आगे जा करके, इसको जो है सो हमने रेस्क्यू किया था और वहाँ पर जाने के बाद जो है सो उन्होंने हमें 500 रुपये देने का कोशिश किया मगर हम लोग कहावत मतलब हम लोग जो है सो पैसा 1 रुपया नहीं लेते हैं कहीं भी जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए जो है पैसा जो है अगर ले लेंगे ना तो कल के डेट से जो है सो हमें मतलब तो सांप को मारना स्टार्ट कर देगा, नहीं लेने का यही कारण है जो अगर जो हम पैसा आज लेना स्टार्ट कर दें
तो कल से क्या करेंगे लोग जो है सो इसको मार देंगे, बचाने का जो है सो कम प्रयास, वो सोचते हैं सोचेंगे क्या क्यों इसको मतलब अगले को पैसा दे और बुलाएं, इसलिए इसको बचाने के हद से जो है सो हम प्रयास का मतलब पैसा किसी से नहीं लेते हैं दोस्तों, तो इसको जो है सो छेड़छाड़ ना करते हुए देखिए छोड़ देते हैं। ये काफ़ी बिग साइज का है और यहीं पे जी जी तो थोड़ा बहुत मनी के लिए आया होगा ना जंगल में, अभी लाइट का जो है कहीं पर नहीं है, दिन में किसी बिल में जाकर घुस जाएगा, चूहे का बिल हो जाएगा, अभी घास है ना इसलिए जो है इसमें जो है सो ये आ रहा है। ये है दोस्तों किसानों का मित्र, जो कि बिल्कुल ही ननभेनस होता है मगर लोग डर जाते हैं, और डर के कारण जो है ना सो बीस भी जो है समान इसलिए धड़कन तेज हो जाता है, इंसान को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, इन लोगों में बीस नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी, ना पूंछ में यानी कि टेल इसमें भी नहीं, और ना ही जो है सो इसका दांत में, जो कि मैं कई बार आप लोगों को जो है सो अपने वीडियो के माध्यम से कटवा करके यानी कि बाइट करके जो है सो आप लोगों को दिखा दिया हूँ, इन लोगों के जो है बीस किसी दांत में जो है सो बीस नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी बिग साइज का है, बड़ा साइज का, ये किसानों के लिए हित के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, किसानों का मित्र कहा जाता है इसे, देखिए कितना बड़ा है। किसान के हित के लिए काफी अच्छा होता है दोस्तों, जहां भी रहे इस मतलब ये किसी को हानि भी नहीं पहुंचाता है ये इसने इतना, और अगर ये मान के चलिए एक दो दिन अगर आप अपने पास में रख ले या इंसान के नजदीक अगर रह जाए तो ये इंसान से डरता भी नहीं है, अगर ऐसे तो बहुत डरेगा, डर के भागना स्टार्ट करेगा, इंसान के नजदीक ये रहना नहीं पसंद करता, मगर अगर ये इंसान अगर इसको थोड़ा सा अगर देख लिए और इसको नहीं मारे उसके बाद मान के चलिए अगर जी ये इंसान के नज़दीक भी अगर आ जाता है ना तो ये गिर जाता है जहाँ इंसान हमें हानि नहीं पहुँचाएगा, और ये जो है सो आसपास में मंडराता रहता है, सो जान जाता है जो नहीं इंसान हमें नहीं मारेगा हानि नहीं पहुँचाएगा, तो ये भी जो है तो आपके आसपास में ही रहेगा, और अगर जो ऐसे अगर जो देख लीजिएगा जंगल आड़ में ना तो ये मतलब बहुत ही स्पीड में भाग जाता है इंसान को देख करके, इसको दोस्तों हानि नहीं पहुँचाते, इसको जो छोड़ देते हैं इधर जाना है, इधर देखिए और पछाड़ उसे धामन कहा जाता है, धामन बहुत ही मतलब भागने में बहुत ही फास्ट होता है, कहना यही है अगर मेरा काम और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने से मुझे भी प्रोत्साहन मिलती है, मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोगों को, और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए, भगा के नहीं देखें, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत मैसेज कर लीजिए देख कर बस वीडियो पास।